दर्शकों का स्वागत है खबरों के रोड में एक नजर हेडलाइंस पर। बजाओ ताली मनाओ दिवाली, हर महीने सिर्फ पानी का खर्चा 600 रुपए और सरकार देगी 500 रुपए। नोटबंदी आपदा ही नहीं सबसे बड़ा घोटाला था। बेरोजगारी पर 1947 के बाद सबसे सरकार ने भेजे गर्म कपड़ों के पैसे नहीं पहुँचे बच्चों तक। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली, केंद्र की मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट संसद में पढ़ रहे हैं। सरकार ने हर महीने 500 रुपए किसानों के खाते में डालने का ऐलान किया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक बोतल साफ पानी की कीमत 20 रुपए, महीने का खर्च 600 रुपए, मोदी जी किसान परिवार को प्रति माह दे रहे हैं 500 रुपए। नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बेरोजगारी पर जारी NSSO के आंकड़ों पर केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर शख्स को जानना चाहिए 1947 के बाद आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 1972 के बाद इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली के CM केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। पलवल, गांव रायपुर की राजकीय माध्यमिक पाठ्यशाला के विद्यार्थियों को कपकपा देने वाली सर्दी में बिना गर्म वर्दी के स्कूल जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। सरकार द्वारा गर्म वर्दी के लिए बच्चों के बैंक खाते में भेजी गई 1000 की राशि में से 600 से 800 रुपए बैंक प्रबंधन ने विद्यार्थियों के खाते में न्यूनतम बैलेंस न होने की पेनल्टी के तौर पर काटे हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।